Good morning, students. This is your bio class, and I'm your bio teacher. Now, take out your bio book, page number 30. Okay, this is your lecture 7 of chapter 2, Structure and Organization of Life. Okay, last lecture में जो है हमने cell wall और cell membrane को discuss किया था, उसी को continue करेंगे nucleus और karyon. क्या होते हैं nucleus? Nucleus को discovered किसने किया था सबसे पहली बात? इसको Robert Brown ने. और cell को किसने discovered किया था? Robert Hooke ने. सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था और न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. हर सेल्स के अंदर जो है ये मौजूद होता है. इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. इसका मेन फंक्शन क्या है कि जितनी भी सेल्स में एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस. ओके, इट मे बी स्पेरिकल और इरेगुलर शेप. इसका जो है शेप जो है स्पेरिकल भी हो सकता है, जो आप देख रहे हैं डायग्राम में. ओके, और इरेगुलर भी हो सकता है. इन एनिमल सेल्स इट इज़ यूजली प्रेजेंट इन द सेंटर. अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल्स तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी? ये सेंटर में हमेशा मौजूद होगा एनिमल सेल्स के. बट इन प्लांट सेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेयर वैक्यूल्स. लेकिन प्लांट्स में जो है वैक्यूल मौजूद होता है, क्योंकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल मौजूद नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है. लेकिन प्लांट्स में वैक्यूल की मौजूदगी की वजह से इसमें न्यूक्लियस की पोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है. इट इज़ पुश टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन. ये उसको वहाँ से पुश करता हुआ सेल मेम्ब्रेन की तरफ थोड़ा ले आता है, यानी कि वो थोड़ा क्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ. कहाँ पर? प्लांट सेल्स में. ओके, न्यूक्लियस इज एनवलप्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो है वो उसके एनवलप जो है एनवलप की तरह से बना हुआ है, जो डबल मेम्ब्रेन है. इस चीज़ को हम कहते हैं, उस डबल लेयर को कहते हैं, मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस पोर्स. डायग्राम में देखिए जो लिखा हुआ है न्यूक्लियस पोर्स, ये यानी कि पूरा न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस के आप क्या है, न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं. न्यूक्लियस इज फिल्ड विद जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. अब हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है, पहले इसका स्ट्रक्चर वो है न्यूक्लियोप्लाज्म से बना है. ओके, यू कैन सी अ स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर जो तीन कंसिस्ट स्टेज में समझते हैं. पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपका. इट इज़ कवर्ड डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेनिंग न्यूक्लियर पोर्स, जो मैंने लास्ट आपको स्लाइड में बताया था. फिर है न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म. देन न्यूक्लियोप्लाज्म इज फिल्ड विद जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म विच हैज न्यूक्लियस क्रोमेटिन नेटवर्क. ओके, देन लास्ट इज क्रोमेटिन रेटिकुलम. द क्रोमेटिन रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क. थ्रेड लाइक यानी कि धागे की नुमा तरह ये होते हैं. ईच थ्रेड ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क कॉल्ड क्रोमोजोम. इसके हर एक थ्रेड को हम क्या कहते हैं, क्रोमोजोम्स कहते हैं. विच इज़ कम्पोज ऑफ प्रोटीन. किससे कम्पोज होके बना हुआ है ये? प्रोटीन से. ओके, ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन, तो क्या है फंक्शन का? न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द वाइटल फंक्शन ऑफ द सेल्स और इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल. क्योंकि ये सारे सेल्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, दैट्स वेयर दे आर नोन एज ब्रेन ऑफ सेल. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हेरिडिटरी करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. हेरिडिटी कोई भी चीज़ जो आपके पेरेंट्स से आती, वो करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम भी आपके न्यूक्लियस का. इट टेक पार्ट इन सेल डिवीजन एंड रीप्रोडक्शन. सेल की जो डिवीजन हो रही होती है वो और रीप्रोडक्शन के अमल में भी आपके न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. ओके, ओके, फोर्थ वन इज साइटोप्लाज्म. इट्स द ट्रांसलोकेट स्प्लिट पोर्शंस ऑफ द सेल लिंग इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो ये एक ट्रांसलोकेट फ्लूइड की पोर्शन मौजूद होता है. केमिकली कम अगर बात की जाए तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? 90% इसमें वाटर होता है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड अदर सब्सटेंस भी इसमें मौजूद होते हैं. फंक्शन क्या? इट सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स. जितने भी केमिकल्स हैं उनको स्टोर करता है. इट इज़ द साइट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. मेटाबॉलिक का रिएक्शन जो है इसमें ही, इससे ही होता है. और फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस. कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन? यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस की भी सिंथेसिस जो है वो इसी में, इसके फंक्शन में आती है. ओके, ओके, कंटिन्यू करेंगे. इसमें जो है डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स अपना काम कर रहे हैं. यहाँ पे आपका है कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, प्लासेस, सेंट्रियल्स एंड वैक्यूल्स. इनको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, योर सेवन लेक्चर इज कम्प्लीटेड. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर होम टास्क. लास्ट लेक्चर में आपको मैंने शॉर्ट नोट करने को दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसी को कंटिन्यू करना है. जो पहले था आपका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को उसी में कंटिन्यू करना है. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में लिखना है. जो लेक्चर है आप उसको भी देख सकते हैं. एंड यू कैन
सी बुक पेज नंबर 30 and 31, ओके, एंड यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ओके।